आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स का टेक्निकल एनालिसिस पूरा करेंगे, बट टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करें इससे पहले हमें थोड़ी सी स्टॉक की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो टाटा मोटर्स 1954 में स्टार्ट हुआ था टेल्को नाम की कंपनी से, जो बेसिकली स्टीम इंजन और रेलवे की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड थे देन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनकी एंट्री 1970s में हुई है, और जो 90s किड है वो जानते होंगे कि टाटा सूमो की क्या रेलेवेंस थी, कितनी आइकॉनिक गाड़ी थी, वो एक डिजायरेबल कार के तौर पे उसको माना जाता था। और लेट 90s और अर्ली 2000s में टाटा इंडी का जो पैसेंजर कार थी, इंडिजीनियस पहली, उसने अपने मतलब प्रॉपर पीक क्रिएट की थी। लोगों ने उसको बहुत बाय किया था, बहुत सराहा गया था। तो टाटा की ऐसी कार थी जो इकोनॉमिकल भी थी और रिलायबल भी बहुत ज्यादा थी उस टाइम के हिसाब से। फिर इंडिका के बाद 2008 में जो फेमस हुई थी गाड़ी वो थी टाटा नैनो। टाटा नैनो के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इस गाड़ी को लकटकिया कार बोला गया था, मिडिल क्लास के लिए गाड़ी बोला गई थी ये, कि जिसको हर कोई बाय कर सकेगा। बहुत सारे मीम्स भी बने थे कि 1 लाख में गाड़ी कैसे आ सकती है, जब 30-40 हजार की तो एक स्कूटी आती है और 1 लाख में एक गाड़ी आ रही है। कुछ सेफ्टी कंसर्न्स भी इससे रिलेटेड उठे थे, स्टार्टिंग के कुछ मॉडल्स में आग वाग लगने की भी न्यूज आई थी। बट गाड़ी को इवेंचुअली बहुत सराहा गया था, पिक्चर्स भी सामने आई थी कि रतन टाटा इसमें खुद बैठ के ट्रैवल करते हैं। तो जो इसकी नेगेटिव न्यूज थी वो उसको वैसे पब्लिसिटी करके कवर अप भी की गई थी। तो टाटा नैनो से तो बहुत मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, दोनों तरफ के रिएक्शंस थे, पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। और 2008 सेम ईयर में टाटा ने रेंज रोवर के साथ कोलैबोरेशन की थी। रोड प्रेजेंस की बात करें तो टाटा ने डेफिनेटली और एक जो है वो मोनोपोली क्रिएट की हुई है। आपको आज की डेट में टाटा की गाड़ियां सबसे ज्यादा सड़कों पर दिखेंगी कंपैरेटिवली टू मारुति हो गई या महिंद्रा हो गई या और कोई कंपनी हो गई। तो टाटा की जो रोड प्रेजेंस है वो एट द मोमेंट अभी पीक पर है। स्टॉक की बात करें तो फंडामेंटल्स क्या है स्टॉक के, कितनी स्ट्रांग है ये कंपनी फंडामेंटली, वो आप वेबसाइट पे यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं उसका लिंक जरूर ड्रॉप कर दूंगी। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, कि टेक्निकली चार्ट्स कितने स्ट्रांग है, इसके क्या फ्यूचर लग रहे हैं, वो डिस्कस करने के लिए चलिए एक बार चार्ट पे रिव्यू कर लेते हैं स्टॉक को, और फिर देखते हैं कि ये चार्ट अभी बाय है या नहीं। जो लोग इसको कोविड के टाइम से होल्ड किए हुए हैं उन्हें पता होगा कि एक टाइम में 80 रुपीज का स्टॉक था ये और 500+ तक गया था, तो अभी भी 350 से 400 के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या फ्यूचर है। सो टाटा मोटर्स के बारे में क्या हिस्ट्री थी, क्या फंडामेंटल्स है, आपको यहाँ वेबसाइट पे सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। अब चलिए चार्ट पे चल के डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक कैसा दिख रहा है। अगर यहाँ कोविड लो से हम देखें तो काफी अच्छी रैली स्टॉक ने दी है, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे 1 साल के अंदर अंदर। अभी की बात करें तो ये स्टॉक एक चैनल के अंदर कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है बहुत लंबे टाइम से, तो जब तक इस रेंज में है तब तक एक एक्यूमुलेशन हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे चल रही है, और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होगा ये एक बाय अच्छी ऑफर करेगा, फिर से मोमेंटम कैच करेगा, एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न भी बन रहा है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं इस स्टॉक को तो आप इस रेंज का यहाँ पे SL लेके इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा ये स्टॉक फिर से बुलिश हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग है टाटा मोटर्स, अगर इसको ब्रेक डाउन करना होता तो इस लेवल का काफी पहले ही कर चुका होता, बट होल्ड कर रहे हैं। अगर रिट्रेसमेंट भी हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 38% की भी रिट्रेसमेंट पूरी नहीं की है, तो विच इज अ गुड साइन। अभी इसकी 5th वेव, जो लोग इलियट वेव को मानते हैं, वो पेंडिंग है, तो कुछ ना कुछ यहाँ रिटर्न देगा बड़ी करेक्शन करने से पहले। सो अगर रिटर्न की बात करें हम तो इसको 650 तक तो इजीली जाना चाहिए अपनी 5th वेव में। जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो 652 तक आपको टाटा मोटर्स इजीली जाता हुआ मिलेगा। सो इतना ही आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि और ऐसी वीडियोस आने वाले दिनों में आपके लिए लेके आ जाए। कोई स्टॉक आप चाहते हैं जिसके ऊपर वीडियो बनाई जाए उसको कॉमेंट सेक्शन में आप लिख के जरूर हमें सजेस्ट कर सकती हैं।